व्हाट्सअप गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो गाइज, आप लोग के लिए कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों को डेली बाय डेली डिमांड रहता है, जो डेली का आप लोग वीडियो लेके आता रहता है गाइज, ठीक है। आज का प्रॉब्लम, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि आप लोग को अच्छे तरीके से फेस स्मूथ करना नहीं आता है। बाकी जो है कि प्रेशर यूज करना एंड कलर ग्रेडिंग करना एंड बैकग्राउंड बनाना हर एक किसी को आ रहा है, ठीक है। और जो मेन प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत ज्यादा वीडियो देख चुके हैं एंड बहुत ज्यादा वीडियो देख के थक चुके हैं, तो जो है कि एक बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग करके एंड कुछ अलग स्टेप और कुछ न्यू ट्रिक बताया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि गाइस जो है कि आप लोग का, देखिए आप लोग को मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, उसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो कि इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। जो है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो जो है कि आप लोग वीडियो यहीं पे स्किप करके चले जाइएगा, क्योंकि जो है कि आप नॉलेज के लिए वीडियो बनाए, ठीक है। जो जिनको नॉलेज की जरूरत होगा जो कि वीडियो एकदम ऑफकोर्स देखा, क्योंकि ये नॉलेज फुल वीडियो है, ठीक है। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा वाच कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वाच करेंगे तो कुछ हमसे सीखेंगे, कुछ अपने आप से दिमाग लगा कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो तरीका हम लोग बताते हैं कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में फिट नहीं होता है, इसे घुसता ही नहीं आप लोगों के दिमाग में। जैसे लगता है कि हम लोग हमेशा फेक ही बताते हैं, नहीं मेरे भाई, हम लोग सब कुछ रियल ट्रिक बताते हैं। जो कि आप लोग नए करते हैं ना, जैसे लगता है आप लोग नए हैं इसलिए जो कि फेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कि इस वीडियो में जो आप लोग जो तरीका बताया हूँ, जो आप लोग को लगेगा कि एकदम 100% आप लोग कर ही लोगे फेस स्मूथ, इतना अच्छा तरीका आप लोगों को बताया, ठीक है। आप लोग जो है कि मुझे पता है कि आप लोग लाखों वीडियो देख के थक चुके हो, लाखों फेक वीडियो देखे हो, ठीक है। लेकिन एक बार इस वीडियो को आप लोग देखिए कि कितने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ और क्या जो है कि ट्रिक बता रहा हूँ सही है कि नहीं, ठीक है। एंड देन चले वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते रहते हैं गाइस। चले वीडियो को शुरू। तो गाइज अपना ओरिजिनल पिक आप लोग देख सकते हो एंड आप लोग जो एडिट किया हूँ ये पिक आप लोग देख सकते हो, यार टेक्स्ट पीएनजी भी देख सकते हो एंड स्किन्स क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, क्या ही झकास है यार, मस्त है यार। अगर इस तरीके से आप लोग फोटो एडिटिंग करके पोस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा वायरल होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए जो ओरिजिनल पिक है, इसको जो है कि मैं आप लोग को एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, बस देखते रहिएगा, ठीक है ना गाइज। आप लोग शेयर पर क्लिक करके और सबसे पहले जो कि अपना फोटो फोटो रूम में शेयर करेंगे, ठीक है। इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि गाइज आप लोग बोलो कि बैकग्राउंड अपने जैसा एडिट करना नहीं बताते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि आप लोग को बैकग्राउंड पर वर्क करके आप लोग को एकदम क्लियर चमक ले आ करके आप लोग को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, अगर मिस कर देंगे तो एक स्टेप से आप लोग हाथ धो देंगे। तो यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज देखिए, और यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है। और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद गाइज जो कि आप लोग इधर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, और रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो गाइज आप लोग का गैलरी का सारा फोटो खुल के आएगा। तो उसके बाद जो कि आप लोग को एक बैकग्राउंड का लिंक मिलेगा, बैकग्राउंड डाउनलोड करके और यहाँ से सिंपली ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं फोटो पे क्लिक करके यहाँ से और यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सेट होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्लर वाला ऑप्शन को, कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप लोग को ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ब्लर को थोड़ा आप लोग क्या करेंगे 13 रख लेंगे, ठीक है ना। 13 रखने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, इधर से एडजस्ट पर क्लिक करके थोड़ा सा सैचुरेशन को प्लस, लो लाइट को प्लस माइनस और हाई लाइट को प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है कि शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो जो है कि यहाँ से शेयर पर क्लिक करके और जो है कि कर लेंगे पिक्सआर्ट में शेयर, ठीक है। पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद इसलिए कर रहा हूँ कि पिक्सआर्ट में जो है कि आप लोग को यहाँ पे वर्क करके आप लोग को बैकग्राउंड पे अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ से आप लोग क्या करेंगे जो है कि इधर से देखिए, इधर सबसे पहले जो कि स्टिकर पे क्लिक करके और जो है कि लाइट सर्च करेंगे, LIGHT, जो कि मैट्रिक आप लोग को बताता हूँ सबसे अलग सबसे हट कर रहा था, ठीक है गाइज। यहाँ पे कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करना है एंड यहाँ पे कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बताता हूँ आप लोग से, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख लेंगे, इसका डुप्लीकेट लेयर बना करके और यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इसका देख सकते हैं रेखा गया, तो इरेजर बटन पर क्लिक करके और यहाँ से हार्डनेस कम के साइज को बढ़ा करके और जो कि इधर से चला लेंगे, इसका जो लाइटिंग का रेखा आया होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे, इसका भी आया है हल्का फुल्का, तो इसको भी इरेजर बटन पर क्लिक करके और इस टाइप से इरेज कर लेंगे जो कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से गाइज आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक PNG जो है कि टेक्स्ट PNG आप लोग ऐड फोटो पे क्लिक करके और जो है कि ऐड करना है, ठीक है ना। चलिए मैं ऐड करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं 2 टेक्स्ट PNG ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग क्या करना है, ब्लेंड पे क्लिक करके और जो कि स्क्रीन कर लेना है दोनों को और इस टाइप से रख लेना, ठीक है। और किलर वालों को भी ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है, स्क्रीन करके और जो कि यहाँ पर रख लेना है। और ये नहीं कि आप लोग यहीं पर रखेंगे, अपने फोटो के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से काम कीजिए, टाइम देख कीजिए, फोटो अच्छा बनेगा।
तो गाइस देख सकते हो जो कि मेरा यहाँ पे सारा वर्क हो चुका है बैकग्राउंड पर। और जो है कि अब आप लोग क्या करके हम दिखाएंगे आप लोग को कलर ग्रेडिंग और फेस स्मूथ करके आप लोग को हम दिखाएंगे। तो सिंपली यहाँ से क्या करना है आप लोग को, अपने फोटो को गैलरी में सेव करना है। ठीक है गाइज, आप लोग अपना फोटो जो है कि लाइट रूम के अंदर शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो जो है कि मैं अपना फोटो लाइट रूम के अंदर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे गाइज आप लोग क्या करना है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट नहीं वर्क करके जो है कि आप लोग को ट्रिक्स बताएंगे, इसलिए ट्रिक्स बता रहे हैं कि आप लोग लाखों फोटो एडिटिंग कर लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप लोग बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो एडिट पे क्लिक करके गाइज जैसे कि आप लोग लाइट पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर लेंगे, हाईलाइट को फुल माइनस करेंगे और जो है कि शैडो को फुल प्लस करेंगे और वाइटनेस को और ब्लैकनेस को दोनों कम करेंगे। ठीक है, इस टाइप्स करेंगे और उसके बाद ही कलर पर क्लिक करके हल्का सा वेबरेंस को बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, वेबरेंस को बढ़ाएंगे फिर मिक्स क्लिक करके और जो कि आप लोग को सबसे पहले सेकेंड नंबर का कलर जो है कि अपने स्किन्स को वाइट करना है। तो जो कि सेकेंड नंबर कलर क्लिक करके सेचुरेशन को माइनस करके और जो कि लुमियंस को प्लस कर देंगे। ठीक है, जितना आप लोग रखना होगा उतना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कि आप लोग क्वालिटी नहीं घटेगा, इसलिए मैं आप लोग को पहले बैकग्राउंड पर वर्क करके बताया जो कि बाद में आप लोग जैसे स्मूथ करके आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बैकग्राउंड पर वर्क करेंगे तो क्वालिटी आप लोग का कम हो जाता है। इसलिए जो है कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि पहले बैकग्राउंड पर वर्क कीजिए एंड स्मूथ कीजिए, तो बस आप लोग देखते रहेगा। ठीक है ना, देखिए जो कि आप लोग का जितना स्किन वाइट रखना है उतना आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद से जो है कि आप लोग देखिए ब्लू कलर को अपने शर्ट वगैरह को भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से। और जो कि येलो कलर आपके मतलब येलो कलर आपके फोटोज में है तो वो येलो कलर को भी छेड़ सकते हो। ठीक है ना, तो मेरे में येलो कलर नहीं है तो मैं नहीं छेड़ूंगा। एंड देन रेड कलर है तो रेड कलर को अपना लिप अगर अच्छे से बनाना चाहते हो तो लिप को भी बना सकते हो। ठीक है ना गाइस, इस टाइप से अगर आप लोग कर लेंगे तो रेड कलर का सेचुरेशन माइनस और लुमिनेंस प्लस कर लेंगे तो आपका जो कि स्किन पे रेडनेस ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा। उसके बाद से गाइस यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद से देखिए आप लोग क्या करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके और टेक्सचर और क्लैरिटी और डेज तीनों को हल्का हल्का सा प्लस करेंगे, 6-6, 8-8। ठीक है, उसके बाद से गाइस आप लोग क्या करेंगे, डिटेल्स पर क्लिक करके और शार्पनिंग को 20+, डिटेल्स को 60+, मास्किंग को थोड़ा सा खोलेंगे, नॉइज को सेम करेंगे 20+ और डिटेल्स को 60+ और कलर का नॉइज को आप लोग 20 और या डिटेल्स को 60+। ठीक है, इस तरह आप लोग रख लेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को फोटो में कितना क्वालिटी आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ से जो कि अपना फोटो पहले सेव करना है गैलरी में। ठीक है, तो इस टाइप से पहले सेव कर लीजिएगा। ठीक है ना, सेव करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, क्वालिटी कम हुआ होगा चाहे नहीं कम हुआ होगा, आप लोग को शार्पनेस एंड डिटेल्स देने के लिए फेस पर क्या करना पड़ेगा आप लोग ध्यान से, एंड फेस पे डिटेल्स देने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखिए। यहाँ से जो है कि शेयर पर क्लिक करके और जो है कि अपना फोटो रेमनी करेंगे सबसे पहले। तो रेमनी में शेयर करने के बाद जो है कि आप लोग को इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, जो कि आप लोग अच्छे से कीजिएगा, तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से जो है कि आप लोग करेंगे इनहेंस पर क्लिक करके और जो है कि सिंपली अपने फोटो को ऐड देख के गैलरी में सेव करेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे ऐड देख दिखा करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो जो कि मेरा रेमनी होने के बाद फोटो गैलरी में सेव हो चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स एंड शार्पनिंग के साथ जो है कि मेरा फोटो सेव हो चुका है। ठीक है, अब जो है कि आप लोग को स्मूथ करके अच्छे तरीके से आप लोग को हम दिखाएंगे। ठीक है, जो है कि शेयर पर क्लिक करके इधर से और शेयर पर क्लिक करके जो कि अपना फोटो स्केच बुक में ऐड करेंगे। और स्केच बुक में ऐड करने के बाद जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छी प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो डिस्क्रिएट करके आप लोग क्या करेंगे, जो कि अपना फोटो सिंपली ऐड कर लेंगे और जो कि गाइज यहाँ से जो कि लेयर पर क्लिक करके और सबसे पहले फटाफट से एक लेयर बना लेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट बताएंगे। ठीक है, तो जो कि लेयर पर क्लिक करके और जो कि आप लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। ठीक है, सॉफ्ट लाइट करने के बाद जो कि आप लोग इधर से कलर पर क्लिक करके और जो कि यहाँ से इस पर क्लिक करके और जो कि आप लोग एक कोने वाला कलर लेंगे येल्लो कलर। ठीक है, ये थोड़ा सा येल्लो है। ठीक है ना, येल्लो कलर लेने के बाद जो है कि गाइज आप लोग क्या करेंगे, ब्रश को चूज करके और जो है कि ब्रश ये वाला लेंगे। ठीक है, इस वाला ब्रश को चूज करके। ठीक है, और गाइज आप लोग क्या करेंगे, अपने स्किन्स पे जहाँ जहाँ आपका स्किन्स होगा वहाँ वहाँ चलाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, इस टाइप से अपने स्किन्स पे चला लेना है फटाफट से गाइज। ठीक है, क्योंकि जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना वो सबसे अलग होने वाला है। ठीक है ना, बस आप लोग देखते रहेगा। ठीक है, इस टाइप से जो कि अपने स्किन्स पे चला लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चलाएंगे तो बहुत अच्छा तरीके से आपका फेस वाइट होगा, को वाइट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ये इसलिए काम आता है। ठीक है ना, इसलिए मैं येलो कलर आप लोगों को फेस पे लगवाता हूँ। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो है कि अपने फेस पे लगा लेंगे
केवल स्किन्स पे लगाएंगे, हेयर्स वगैरह पर नहीं जाने देंगे, ठीक है। उतना रफली भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से कर लेंगे, और चाहे तो हैंड वगैरह पर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, अपने हिसाब से जहाँ चाहे वजह लगा सकते हो। और अपने कान पर भी लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि कान पर ज़्यादा ब्लैकनेस आ जाता है आप लोग को, ठीक है ना, तो कान पर लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लगाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लेयर पर क्लिक करके और जो कि आप लोग क्या करेंगे, ऑप्सिटिव कम कर लेंगे, ठीक है। ऑप्सिटिव कम करने के बाद गाइस क्या करेंगे, एच सी एल एडजस्टमेंट पर क्लिक करके और जो कि यहाँ पे देखिए जो मैं कर रहा हूँ वो कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग लाइटनिंग को हल्का सा बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को माइनस करेंगे, और जो है कि क्या करेंगे, इधर से हल्का सा इसको भी, ह्यू को भी हल्का सा माइनस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके फेस पे बहुत अच्छे से चमक आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइज। आप लोग देखिए खुद जो कि आपके फेस पे कितना पहले से ज़्यादा चमक आ गया, ठीक है। अब करेंगे स्मूथ, अब आएगा आप लोग को मज़ा स्मूथ करने में। तो गाइज आप लोग क्या करेंगे, इधर से लाइब्रेरी पे क्लिक करके और जो है कि गाइज आप लोग जो मैं ब्रश में बताने वाला हूँ, ये ब्रश बहुत हार्ड है, ठीक है ना, इस वाले ब्रश को क्लिक करके, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करके और जो है कि सबसे पहले यहाँ पे सिंथेटिक पेंट पे क्लिक करके और जो है कि यहाँ पे स्मूथ करेंगे, ठीक है। स्मूथ करने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, फॉलो को कम करेंगे, ठीक है। फॉलो को आप लोग रखेंगे 24, ठीक है, स्ट्रेंथ को आप लोग रखेंगे 24, ठीक है ना, 24 रखेंगे, ठीक है, 24 रख लेंगे। उसके बाद जो है कि अपने फ़ोटो को जूम करेंगे और जो है कि अच्छे तरीके से जूम करने के बाद गाइज ब्रश के साइज चेकआउट करके और यहाँ से अपने फ़ोटो वाला पे क्लिक करके और गाइज आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे, ठीक है। इतना अच्छा तो कभी ज़िंदगी में आप लोग स्मूथ किए होंगे नहीं, जितना अच्छा स्मूथ मैं बता रहा हूँ। और जो कि लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ जो कि आप लोग स्मूथ किया हूँ आप लोग के सामने। अगर ये वीडियो फेक लगता हो तो मैं आप लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत रियल वीडियो है, बहुत ही ओरिजिनल ट्रिक और जेन्युइन ट्रिक है, ठीक है, जो कि इस टाइप से जो कि आप लोग स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो और फॉलो को कम कर लेना अगर आपका हाथ सेट नहीं होता, ठीक है, 13-14 कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग, मैं बता रहा हूँ, अगर अगर आप लोगों को हाथ अच्छे से सेट नहीं होगा तो आप लोग 13-14 स्मूथ करके आप लोग कर सकते हो। देख सकते हो कितने अच्छे से हल्के हाथों से घुमाना है, आपका स्किन जिधर जिधर साइड से गया होगा उधर उधर साइड से जो है कि आप लोग क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे, ठीक है। आप लोग लिपा पोती करेंगे, ऐसे देखिए ऐसे करेंगे तो जो है कि आप लोग ब्लैकनेस आ जाएगा, ठीक है ना, आप लोग को सब कुछ मुंह दांत सब कुछ बराबर हो गया ना। तो जो है कि आप लोग को इस टाइप से आप लोग को नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई, आप लोग को ऐसे नहीं करना, जैसे जैसे आप लोग को स्किन से गया वैसे वैसे आप लोग करना है, ठीक है। यहाँ पे गोल गोल आप लोग के गाल पे गोल गोल घुमाना रहता है, ठीक है ना, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं घुमा रहा हूँ, इसी टाइप से आप लोग घुमाएगा जिस तरीके से आप लोग को वाइट पट्टी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से घुमाएंगे जो कि आपका फोटो बन के फेस स्मूथ होके रेडी हो जाएगा बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में आप लोग को रेडी हो जाएगा। तो जो है कि इस टाइप से आप लोग स्मूथ कर लेंगे एंड देन गाइज आप लोग का फेस एंड आप लोग का जो भी आप लोग को चीज़ स्मूथ करना चाहते हैं अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे। एंड आप लोग को लाइव प्रूफ भी दिखा दिया और जो है कि आप लोग का फेस स्मूथ भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है गाइज। तो चलिए वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो गाइज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, वो आप लोग के सामने रख दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल क्या करें नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।